विकास मुक्त भ्रष्टाचार युक्त है झारखंड सरकार, ये बातें जेपी नड्डा ने कहा। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज। झारखंड प्रदेश भाजपा की एक दिवसीय कार्य समिति बैठक का विधिवत उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है। उग्रवाद अपराध अपने चरम सीमा पर हैं, जो कि कमजोर सरकार की निशानी है। सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करने में लगी है और जनता बेहाल है। विकास के सारे रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। झारखंड की सरकार विकास मुक्त भ्रष्टाचार युक्त सरकार साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संयुक्त बिहार में कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही। पूरे बिहार में खनिज और विकास का स्रोत झारखंड था, लेकिन उसका शोषण होता रहा, किंतु झारखंड प्रदेश का उत्थान और विकास रुका हुआ है। तो आइए देखिए पूरी खबरें विस्तार से। ये सुरेंद्र सरकार में मैं ये कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। मुझे याद है किस तरीके से बीजेपी के राज्य में नक्सलवाद प्रायः समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। आज नक्सलवाद फिर से दंदना रहा है, उग्रवाद दंदना रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, और ये कमजोर सरकार की निशानी है। आप सबको मालूम होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योगदान किया था। आज फिर से तुष्टिकरण के कारण, फिर चाहे वो कोरोना संक्रमण से लड़ने का विषय हो या फिर विकास की बात हो, सारे के सारे विकास के मामले रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार जो चल रही है वह सरकार भ्रष्टाचार युक्त है और विकास मुक्त है। विकास उसमें हो नहीं रहा और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से जुड़ी हुई है यह सरकार।